हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर यहाँ पर रिवाइज़ करने वाले हैं। वन लाइनर फॉर्म में रिवाइज़ करेंगे हम सब कुछ, और जैसा कि आप हमेशा डिमांड करते हैं तो A4 साइज़ जो आप प्रिंट आउट करवा सकें ऐसी PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच टीम वन द टाइटल ऑफ 2023 वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो मुंबई इसका आंसर होगा। मुंबई इंडियंस ने 2023 वुमेन्स प्रीमियर लीग ये जीता था दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। और अगर हम बात करें WPL का स्पॉन्सरशिप किसके पास है अगले 5 सालों के लिए, टाटा के पास है, ये भी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ये हैं सुरेखा यादव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, भारत की रैंक इसमें 42 है और इसे टॉप किया है USA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नितिन गडकरी ने अनवील किया है इंडिया का पहला मेथेनॉल रन बसेस इन विच सिटी, आंसर होगा बेंगलुरु। विच कंट्री वन मैक्सिमम गोल्ड मेडल एट वेमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, इसका आंसर होगा इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर वैसे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वेमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात हुई है तो इसके डिटेल देख लेते हैं, कहाँ पर हुआ था। इंडिया में नई दिल्ली में कंडक्ट हुआ था, ये चैंपियनशिप हुई थी। इंडिया के कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है, तो नीतू गंगहास हैं, स्वीती बोरा हैं, लवलीना बोरगोहन और निखत जरीन, इन सभी प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल इसमें जीता है। और ये आपको रैंकिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, इंडिया नंबर 1 पर है विद 4 गोल्ड, सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं है, टोटल 4 मेडल इंडिया के थे, 4 गोल्ड हैं। और ये हमने देखे 4 गोल्ड मेडल कौन से प्लेयर्स लेकर आए हैं। सेकेंड पर चाइना इसमें है, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल्स। और वैसे भी आपको पता है रैंकिंग जो है वो गोल्ड मेडल पर बेस्ड होती है, ठीक है। फिर रशिया की बात करें तो 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, इसके साथ 3 टोटल इसके पास मेडल थे और ये रहा है नंबर 3rd पर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, आंसर इसका होगा SS दुबे, ये हैं हमारे CGA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेटफॉर्म बिकेम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, इसका आंसर होगा हुबली, कहाँ पर है, कर्नाटक में है। हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ 32nd व्यास सम्मान अवार्ड, ये हैं ज्ञान चतुर्वेदी, और इनकी नॉवल जो थी पागल खाना इसके लिए इन्हें 32वां व्यास सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच स्टेट होस्टेड B20 मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेजिडेंसी, ये है सिक्किम, सिक्किम में ये मीटिंग हुई थी। Which state became first in India to induct robotic elephant for ritual duties? इसका आंसर होगा केरला, और एलिफेंट का नाम है इरिनजादा पिल्ली रमन। Who has topped in Hurun Global Rich List 2023? ये हैं एलोन मस्क, ये रहे हैं टॉप पर। और भारत से मुकेश अंबानी की रैंक इसमें रही है 9th। इंडियन प्लेसेस हैव बीन इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेज इन 2023, कौन सी जगह हैं, तो 2 जगह लद्दाख और उड़ीसा का मयूरभंज, 100 प्लेसेस का इसमें लिस्टिंग की गई थी जिसमें भारत से ये 2 जगह शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंस्ड हाउ मैनी PM मित्रा पार्क्स, तो कुल 7 पार्क अनाउंस किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, PM मित्रा पार्क्स हैं ये, 7 स्टेट में ये 7 मेगा पार्क होने वाले हैं। ये 7 स्टेट हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, MP, UP और महाराष्ट्र। विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर ड्यूरिंग 2018 टू 2020, तो भारत है जो रहा है लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर। सिप्री के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, प्रकाशित की गई, वर्ल्ड के लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर की बात करें तो ये इंडिया है, कम हुआ है हालांकि 11%, लेकिन अभी भी लार्जेस्ट इम्पोर्टर भारत ही है। लार्जेस्ट सप्लायर इंडिया का रशिया है, ठीक है, भारत किससे सबसे ज़्यादा खरीदता है, रशिया से। फिर सेकंड पर लार्जेस्ट इंपोर्टर जो है सऊदी अरबिया है, टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर है USA और रशिया। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर क्या बताया गया, पूरी दुनिया में अगर बात करें सबसे ज़्यादा आर्म्स बेचता कौन है, हथियार, USA, सेकंड पर रशिया, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा किससे खरीदता है, रशिया से, ठीक है, डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022, ये मिला शिवा शंकरी को, तमिल राइटर हैं ये, और इनकी सूर्य वंशम जो बुक है, इनका जो वर्क है उसके लिए इनको ये मिली है। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द एबल प्राइज 2023, ये मिला है लुइस कैफरेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये कौन से स्टेट में अनवील किया गया, तो इसका आंसर होगा असम।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस, ये हमें देखने को मिला पंजाब में। एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, यह है इंदौर एमपी में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच टीम वन द टाइटल ऑफ 2022-23 संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल की ये ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल टूर्नामेंट है, कर्नाटक ने ये 2022-23 का जो हुआ था कर्नाटक ने जीता है। इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट, इसका आंसर है महाराष्ट्र। वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ऑस्कर्स अवार्ड 2023, इसका आंसर है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और इसमें ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ये अवार्ड मिला नाटू नाटू को, भारत का है RRR मूवी का ये एक गाना है। फिर डॉक्यूमेंट्री भी है भारत की एक, जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ऑस्कर में, ये है द एलिफेंट विस्परर्स। ठीक है, फिर ऑस्कर्स के बाकी अवार्ड को देखिए तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिशेल येओ को, पहली एशियन है ये जिन्हें ये अवार्ड, नॉमिनेशन भी इनका पहला था जो पहली एशियन थी, और साथ ही इनको ये अवार्ड भी मिला है इसमें। फिर रीच आउट क्या है, रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच स्कीम, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है, तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट SCO इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, भारत ने पहला इस तरह का SCO कॉन्फ्रेंस किया है, SCO इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज पर बेस्ड है। व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व, वर्ल्ड टीबी डे ये होता है 24 मार्च के दिन, और थीम 2023 में है येस वी कैन एंड टीबी, ये इसका थीम रखी गई थी इसकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQ एयर, ये कंट्री है चार्ट, इसमें इंडिया की रैंक है 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट टू इम्पोर्ट CO2 एंड बरी इट अंडर सी, तो ये है डेनमार्क, नॉर्थ सी में बरी किया गया है CO2 का इम्पोर्ट करके। विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट, तो उत्तराखंड के द्वारा ये स्कीम शुरू की गई है, रेशम कीट बीमा योजना इसको हिंदी में बोला जा रहा है, इंश्योरेंस स्कीम है जो रेशम कीट पालन जो लोग करते हैं उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसका आंसर होगा 20 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वन प्रिट्ज़र आर्किटेक्चर प्राइज 2023, इसका आंसर है डेविड शिपरफील्ड। व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व एवरी ईयर इन इंडिया, 23 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, टू रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड लीन स्कीम, MSME मिनिस्ट्री की है ये, और मिनिस्टर इस समय है नारायण राणे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत जो हैं इसकी ऑथर हैं, बिपिन रावत जो हमारे पहले CDS थे उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कितना परसेंट रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स इन CISF, तो ये है 10%। इंडिया का पहला इंडिजिनस क्वाड्रुपेड रोबोट बीन डेवलप्ड बाय, तो स्वाया रोबोटिक्स के द्वारा ये डेवलप किया गया है, हैदरा बेस्ड ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक कंपनी है। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2022-23 ईरानी कप, क्रिकेट का टूर्नामेंट है ईरानी कप, और इसे टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने इसको जीता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट है, इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज कोंकण 2023 विद विच कंट्री, तो यूनाइटेड किंगडम के साथ एक्सरसाइज कोंकण जो है इंडिया और UK के बीच कंडक्ट होती है। विच स्टेट डिक्लेयर्ड थानथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, आंसर होगा 28 फरवरी के दिन। इंडिया का पहला मरीना टू बी बिल्ट इन विच स्टेट, इसका आंसर है कर्नाटका। फिर देखते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, भारत की रैंक है इसमें 13th। मोस्ट टेररिस्ट अफेक्टेड कंट्री है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान की रैंक इसमें 6th हमें देखने को मिलती है, भारत 13th नंबर पर। हु हैज़ वन बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ 2022, आंसर होगा लियोनल मेसी। हु वन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022, तो ये हैं मीरा बाई चानू। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र विद विच कंट्री, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच एक्सरसाइज होती है 2023 में, जोधपुर राजस्थान में इसको कंडक्ट किया गया।
मनिक शाह स्वॉर्न इन एज 13th सीएम ऑफ विच स्टेट. मनिक शाह ये त्रिपुरा के 13th सीएम बने हैं. कोनराड संगमा की बात करें तो ये मेघालय के सीएम हैं. फिर इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 8 मार्च के दिन. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सीएम सिंगल वुमेन एम्पावरमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम. उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है. इंडिया हैज़ कंडक्टेड एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23 विद विच कंट्री. फ्रिंजेक्स जो है नाम से थोड़ा आप समझ सकते हैं, फ्रांस और इंडिया के बीच ये एक एक्सरसाइज है और 2023 में पनगोड मिलिट्री स्टेशन केरला में इसको कंडक्ट किया गया है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु लॉन्च्ड डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक. आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है. थीम इसकी रखी है अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल्सो टीच अदर्स. हर पेमेंट डिजिटल मिशन इसको लॉन्च किया है आरबीआई ने. फिफ्थ आसियान इंडिया बिजनेस समिट मलेशिया में हमें देखने को मिली. अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट वुमेन टू कमांड बटालियन इन लद्दाख बॉर्डर. तो इनका नाम आपने पढ़ा होगा, गीता राणा नेगी ये हैं. इन्हें LAC ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर इनको डिप्लॉय किया गया है. रामचंद्र पौडल बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. तो नेपाल के प्रेसिडेंट बने हैं ये. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी. डॉक्टर करण सिंह इसके ऑथर हैं. नेक्स्ट है, सागर परिक्रमा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की ये एक इनिशिएटिव है. हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ILO के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को सेलेक्ट किया गया है. ये हमारे प्रेजेंट CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं. हु हैज़ वन अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023. इसका आंसर होगा कार्लोस अल्काराज. स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं ये, इन्होंने अर्जेंटीना ओपन जीता है. कनक रेले, इनकी मृत्यु हो गई रिसेंटली. ये किस डांस फॉर्म से बिलोंग करती थी? तो आंसर है मोहिनी अट्टम. केरला का एक क्लासिकल डांस है ये. हु हैज़ won 2023 मार्कोनी प्राइज. तो ये हैं हरी बालकृष्णा. मार्कोनी प्राइज 2023 का इनको दिया गया है. अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हु इनॉग्रेटेड बरीसू कन्नड डिम डिमावा फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका एट दिल्ली. देखिए कर्नाटका का फेस्टिवल है, कहाँ इनॉग्रेशन उसका हुआ? दिल्ली में. पर किसने किया? PM नरेंद्र मोदी ने किया. विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू यूज़ रोबोटिक टेक्नोलॉजी टू क्लीन मैन होल्स. पीछे हमने देखा था एक एलिफेंट जो है, रोबोटिक एलिफेंट इंट्रोड्यूस किया था केरला ने, और रोबोट्स का भी यूज़ किया गया है केरला में ही टू क्लीन मैन होल्स, और रोबोट का नाम है बैंडिकूट. फिर नेक्स्ट देखें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द AHF एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट्स एम्बेसडर. ये हैं सलीमा टेटे. इंडियाज एम टू बिकम ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाय विच ईयर 2023 इसका आंसर होगा. हु हैज़ वन एशियन बिलियर्ड्स टाइटल रिसेंटली? पंकज अडवाणी है ये. हु हैज़ बीन चूजन फॉर संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 बाय म्यूजिक अकेडमी. आंसर होगा बॉम्बे जयश्री. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एफ इंडेक्स 2023 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है. ये इंडिया और किस कंट्री के बीच हुई? तो ये जो है एक मिलिट्री मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है. इंडिया और 25 अफ्रीकन नेशंस के बीच इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया. नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022. आंसर होगा रणवीर सिंह. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर डिस्टिंग्यूस्ड सर्विस. रतन टाटा इनका नाम है. फिर हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस पाक स्ट्रेट. पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच देखने को मिलती है, और संपन्न रमेश शेलर जो हैं इनके द्वारा फास्टेस्ट इंडियन ये बने हैं जिन्होंने स्विम किया है अक्रॉस पाक स्ट्रेट. PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी. आंसर होगा नई दिल्ली. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील साइंड 57 MOUs विद हाउ मेनी स्टील कंपनीज. तो ये आंसर 27 है, याद रखना है आपको. विच इंडियन स्टेट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मिनिस्ट्री. आंसर है बिहार. हाईएस्ट केरला, हमें ये पता ही है. विच एयरपोर्ट इज़ द बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया अकॉर्डिंग टू स्काई ट्रैक्स. तो ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली में एयरपोर्ट है ये. नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड एग्री यूनिफेस्ट इन विच सिटी. तो आंसर होगा बेंगलुरु. इंडियन रेलवे विल बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर. तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन रेलवे का जो कार्बन नेट जीरो कार्बन एमिट करने का लक्ष्य है 2030 तक का है. एरिक गारसेट्टी अपॉइंटेड एज US एम्बेसडर टू विच कंट्री. तो इंडिया में US के नए एम्बेसडर ये हैं एरिक गारसेट्टी. हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ FIFA. ये हैं जियानी इन्फेंटिनो, पहले भी यही थे, अभी भी वापस यही हैं.
When is World Meteorological Day celebrated? Answer होगा 23 मार्च. When is International Day of Forest celebrated every year? तो इसका आंसर है 21 मार्च. Forest Day 21 मार्च को मनाते हैं. When is World Water Day? तो आपको याद ही होगा 22 मार्च. When is National Vaccination Day observed in India? 16 मार्च को भारत में National Vaccination Day celebrate किया जाता है. When is International Day to Combat Islamophobia celebrated? इसका आंसर है 15 मार्च. PM Modi addressed One World TB Summit at which city? तो ये वाराणसी में एड्रेस किया गया PM मोदी के द्वारा. Who has appointed as India's ambassador of She Changes Climate Campaign? श्रेया गोदावत को इसका इंडिया की तरफ से एम्बेसडर बनाया गया है शी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन का. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC? तो ये हैं तबलेश पांडे एंड एम जगन्नाथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी अ न्यू इनिशिएटिव कॉल बेगर फ्री सिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड? तो इसका आंसर होगा नागपुर. नागपुर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको. बेगर फ्री सिटी ये इनिशिएटिव नागपुर में लॉन्च किया गया है. थर्ड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ला पेरोज हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच ओशन? इंडियन ओशियन में इस एक्सरसाइज का तीसरा एडिशन कंडक्ट किया गया है और इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है. इंडिया के अलावा देखिए सारी क्वाड कंट्रीज हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उनके अलावा फ्रांस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. याओशांग फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? तो ये जो है याओशांग फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी बिकेम न्यू PM ऑफ विच कंट्री? कतर के नए PM बने हैं ये. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर फॉर सैवलॉन्स स्वस्थ इंडिया मिशन? सचिन तेंदुलकर हैं. एड्स आने भी शुरू हो गए होंगे तो आपने देखा ही होगा. 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? तो इसका आंसर होगा गोवा. विच मिनिस्ट्री गॉट पोर्टर प्राइज 2023? ये जो प्राइज़ है हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ SSP यानी कि सशस्त्र सीमा बल? रश्मि शुक्ला इसकी डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं. When is World Wildlife Day celebrated every year? 3 मार्च है इसका आंसर. Who has been appointed as FICCI Secretary General? आंसर होगा शैलेश पाठक. Which state won Senior Women's National Hockey Championship 2023? इसका आंसर है MP, मध्य प्रदेश ने जीती है Senior Women's National Hockey Championship. Which of the following will be world's first living heritage university? ये है हमारी विश्व भारती यूनिवर्सिटी. रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था वेस्ट बंगाल में. इंडिया का पहला AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस किस शहर में लॉन्च किया गया है? आंसर है मुंबई. विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च्ड SSLV D2 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन? तो इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है. SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2. फिर यहाँ पर पेलोड की बात करें तो EOS-07, JNS-01 और आज़ादी सेट 02 ये सभी इसने ऑर्बिट में पहुँचाए हैं, ठीक है. व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023? आंसर है इसका 126. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो पब्लिश की जाती है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा. इंडिया की रैंक 126 है, लास्ट टाइम 136 थी, ठीक है. टॉप किया फिनलैंड ने, डेनमार्क सेकंड है, थर्ड पर आइसलैंड है, लास्ट इसमें अफगानिस्तान आया है. नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2023 ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया. और 8th एडिशन इसका था, कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में. ऑस्ट्रेलिया जीता, ऑस्ट्रेलिया का 6th टाइटल ये था. रनर अप था इसमें साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ही हराया. प्लेयर ऑफ द सीरीज एशले गार्डनर इसमें रही, ऑस्ट्रेलिया की ही प्लेयर हैं. 12 न्यू चीता हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? तो साउथ अफ्रीका से लाए गए 12 नए चीता और कूनू नेशनल पार्क में इनको लाकर रखा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ यूट्यूब? बहुत अच्छे से आपको याद होगा, नील मोहन बने हैं यूट्यूब के नए CEO. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग? ये हैं BVR सुब्रमण्यम. विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट BAFTA अवार्ड्स 2023? ये है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट और बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें मिला ऑस्टिन बटलर को. विच टीम हैज़ वॉन रणजी ट्रॉफी 2023 टाइटल? ये जीता है सौराष्ट्र ने. किसे हराकर? बंगाल को हराकर.
विच मेट्रो लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम IATS इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन. आंसर होगा दिल्ली मेट्रो. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 62nd सेशन ऑफ UN कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट. ये हैं रुचिरा कंबोज न्यूज में. लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा थी हैं तो याद रखना है आपको. विच इंडियन हैज़ वॉन हिज थर्ड ग्रैमी अवार्ड. ये है रिकी केज. डिवाइन टाइड्स एल्बम इनकी जो थी उसके लिए इन्हें तीसरी बार ये ग्रैमी अवार्ड मिला है. इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन दोस्त टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू. ऑपरेशन दोस्त टर्की और सीरिया जो है यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था. और यही नाम क्यों रखा गया, क्योंकि दोस्त का मतलब भारत में भी दोस्त है, टर्की में भी फ्रेंड को दोस्त ही बोला जाता है. ठीक है. गवर्नमेंट एक्सटेंडेड PM कुसुम यानी कि PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम टिल मार्च 2026. विच प्लैनेट नाउ हैज़ द मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम. यह है जुपिटर, जिसके 92 मून्स हैं. इससे पहले सैटर्न हुआ करता था लेकिन अब जुपिटर है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस. ये हैं जीन एरिक वर्ग ने. विच स्टेट वॉन मैक्सिमम मेडल एट 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022. इसमें महाराष्ट्र जीता है. रमेश बैस अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट. आंसर होगा महाराष्ट्र. फिर आगे देखें, यहाँ पर स्टेट और गवर्नर जो न्यू अपॉइंट हुए थे उनको देख लेते हैं. तो अरुणाचल प्रदेश के नए हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनायक. सिक्किम के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य. झारखंड के CP राधाकृष्णन. हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला. असम के गुलाबचंद कटारिया. आंध्र प्रदेश के S अब्दुल नज़ीर. छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिचंदन. मणिपुर की अनुसैया उइके. नागालैंड के हैं ला गणेशन. मेघालय के फागु चौहान. बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर. और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं BD मिश्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और UT इंडियाज फर्स्ट एवर लिथियम रिजर्व फाउंड. तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर. 5.9 मिलियन टन्स लिथियम रिजर्व मिले हैं यहाँ पर. सलाल है माना जगह है जम्मू कश्मीर में. विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023. आंसर है दुबई. एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज अलायंस धरा. धरा की फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स. ये किस शहर में हुई, तो ये है पुणे. विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वॉइस विजुअल वर्नैकुलर बैंकिंग ऐप. इसका आंसर होगा उज्जवन स्मॉल फाइनेंस. व्हेन विल द एस्का पेड मार्स मिशन बी लॉन्च. 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा बाय ब्लू ऑरिजिन. व्हेन विल निसार मिशन बी लॉन्च. निसार मिशन नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है. 2024 में लॉन्च किया जाएगा. निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है. 2024 में लॉन्च होगा फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश. 36th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट. आंसर होगा हरियाणा. और थीम स्टेट इसमें नॉर्थ ईस्ट के हैं. पार्टनर नेशन रहने वाले हैं SCO के सभी मेंबर्स. अगला क्वेश्चन देखें. याया सो बिकेम विच स्टेट और UT's फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. तो आंसर होगा इसका लद्दाख. याया सो लेक कहाँ पर है, लद्दाख में है. हु लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज 5th नैनो यूरिया प्लांट इन देवगढ़. इसका आंसर होगा अमित शाह. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड लाडली बहना योजना. ये है मध्य प्रदेश की. हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NMDC लिमिटेड. निखत जरीन होगा इसका आंसर. 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 ये बेंगलुरु में देखने को मिला. अच्छा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन. बेंगलुरु में देखने को मिला. थीम है इसकी द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़. विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च जूस. जूस क्या है, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरल स्पेस मिशन. ESA का ये मिशन है जूस मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का. निधि आपके निकट प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया है EPFO ने. EPFO क्या है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट हैज़ बीन ओपन इन विच स्टेट और UT. तो जम्मू कश्मीर में पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट को ओपन किया गया है. वट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेसल COVID-19 वैक्सीन. यह है इनकोवैक EBV-154, जिसे भारत बायोटेक ने डेवलप किया है. हैदराबाद बेस्ड ये एक कंपनी है. विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रीलियर मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. यह है UAE जिसने होस्ट किया. I2U2 में चार कंट्रीज़ हैं, इंडिया, इसराइल, UAE और USA. वट इज़ द न्यू नेम ऑफ चर्च गेट रेलवे स्टेशन. CD देशमुख स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है. CD देशमुख कौन थे, RBI के पहले गवर्नर थे. ठीक है. हु बिकेम इंडियाज 80th चेस ग्रैंड मास्टर. ये हैं विग्नेश NR.
व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर, इसका नाम है अमाक्रुश AI, जिसे ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच कंट्री विल होस्ट मालाबार एक्सरसाइज 2023, आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, और इसमें पार्टिसिपेट करती हैं क्वाड की कंट्रीज़। ठीक है, तो बेसिकली मालाबार एक्सरसाइज जो है क्वाड कंट्रीज़ के बीच होने वाली एक एक्सरसाइज है। फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसको कहाँ पर बनाया जाएगा, आंसर है हरियाणा। एक्सरसाइज 10 लिख इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। 49th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल, ये हमें देखने को मिली नई दिल्ली में। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड्स एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023, ये है कश्मीर फाइल्स। यहाँ पर देखें तो बेस्ट फिल्म रही है कश्मीर फाइल्स, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट डायरेक्टर इसमें थे R. बाल्की। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI चैटबॉट पावर्ड बाय ChatGPT, लेक्सी जो नाम है इंडिया के पहले AI चैटबॉट का है। Who has been appointed as Vice Chief of Army, Indian Army, ये हैं MV सुचिंद्र। Who has been appointed as new Vice Chief of Indian Air Force, ये हैं अमरप्रीत सिंह। India conducted exercise Dharma Guardian, किस कंट्री के साथ, जापान के साथ। Next है which city is the world's second slowest city to drive, आंसर होगा बेंगलुरु। Slowest city मतलब कि यहाँ पर ट्रैफिक इतना होता है कि आप अगर रोड पर निकलते हैं तो बहुत समय लगेगा आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने में। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज तरकश विद विच कंट्री, इसका आंसर होगा USA। विच फिनटेक बिकेम फर्स्ट टू लॉन्च UPI लिट फीचर, यह है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट बाय प्राइवेट प्लेयर्स, इसको लॉन्च किया गया किस स्टेट से, तो आंसर होगा तमिलनाडु। फर्स्ट PM गतिशक्ति रीजनल वर्कशॉप, इसको गोवा में देखने को मिला ये। विच कंपनी बैक्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर वुमेन्स प्रीमियर लीग, स्टार्टिंग में ही देखा था टाटा ग्रुप है 5 साल के लिए स्पॉन्सर WPL के। 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी, आंसर है जयपुर राजस्थान। वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन इन विच माउंटेन पीक, तो माउंट एवरेस्ट पर वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन देखने को मिलता है। What is the new name of Philips domestic appliances? वर्सुनी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। Philips आप हमेशा से देखते होंगे ना, तो अभी उसका नाम चेंज हो गया है। Who has hit most number of sixes in a test match? आंसर है Ben Stokes। Which state government organized first state level shrimp मेला? पंजाब ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। Who has won the National Geographic's Photo of the Year Contest 2023? Kartik Subramaniam इसका आंसर होगा। Who became 6th and fastest player to score 25,000 runs across formats? Virat Kohli ये प्लेयर हैं। Who has been named as the National Ambassador for Children's Rights? आयुष्मान खुराना है इसका आंसर। Which IIT will develop International Center of Excellence for Dams? IIT रुड़की इसका आंसर होगा। कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 4,800 करोड़ रुपीज फॉर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। विच डिस्ट्रिक्ट वन स्वराज ट्रॉफी 2021-22 फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो केरला का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो है इसने जीता है स्वराज ट्रॉफी। हु डेवलप्ड वायोलिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टडी जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन, इंडियन एयरफोर्स है। इंडिया कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल एनर्जी, स्पेन होगा इसका आंसर। विच बैंक हैज़ बीन अवार्डेड विद डिजी धन अवार्ड, कर्नाटका बैंक को यह अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि डिजिटल स्पेस में जो इसने अपना काम किया है। विच हु हैज़ लॉन्च्ड IDEX इन्वेस्टर हब रिसेंटली, राजनाथ सिंह बने हैं। विच कंट्रीज आर्मी गॉट वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल स्वर्म ड्रोन सिस्टम, इंडिया ये कंट्री है पहली। विच एयरलाइंस कंपनी विल बाय 220 बोइंग प्लेन्स फॉर $34 बिलियन, एयर इंडिया ये एयरलाइन है जो कि बोइंग प्लेन्स खरीदने वाली है। हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर फॉर वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग 2023, ये थी स्मृति मंधाना जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रही। रियाना बर्नवी विल बी द फर्स्ट वुमेन फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ विच कंट्री, सऊदी अरबिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं जो कि इसी साल 2023 में स्पेस में इनको भेजा जाएगा। निकोस क्रिस्टोडोलिडिस बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, साइप्रस के प्रेसिडेंट ये बने हैं। शहाबुद्दीन चुप्पू ये बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, ये 2022 का मिला है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर
हैज बीन बिल्ड इन विच सिटी? न्यू दिल्ली का आंसर होगा. 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन विच कंट्री? आंसर है फिजी. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल? यूपी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. हु बिकेम फर्स्ट इंडियन स्कीपर टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स? रोहित शर्मा होगा इसका आंसर. हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू पिकअप 450 टेस्ट विकेट्स? आर अश्विन इसका आंसर होगा. पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया ग्लोबल यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इन विच सिटी? लखनऊ में. हु हैज़ वॉन केन्या लेडीज ओपन टाइटल 2023? अदिति अशोक हैं ये. विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स? स्काई एयर ये कंपनी है. विच इज़ द फर्स्ट फिनटेक ऐप टू सपोर्ट रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI? तो ये है मोबीक्विक. कला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इसको महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया गया. ड्यूरिंग 2021-22 इंडिया रिसीव्ड फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस ऑफ $89 बिलियन. हु वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट स्टूडेंट? यह है नताशा पेरिया नायगम. हु बिकेम MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक? इसका आंसर होगा के सत्यनारायण राजू. विच कंट्री इज द हाइएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? इंडिया जो है हाइएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है. 24% ऑफ द वर्ल्ड्स मिल्क भारत में प्रोड्यूस किया जाता है. हु हैज़ लॉन्च्ड सेव वेटलैंड्स कैंपेन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन? तो ये हैं भूपेंद्र यादव जिन्होंने इसको लॉन्च किया है. स्टेट वन बेस्ट स्टेट डब्ल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2023? आंसर होगा इसका उत्तराखंड. कई बार देख चुके हैं आप तो याद होना चाहिए अच्छे से. अभी यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखें तो बेस्ट स्टेट डब्ल्यू अवार्ड ये फर्स्ट प्राइज इसमें मिला है उत्तराखंड को, जिसमें उत्तराखंड ने अपने वाइल्ड लाइफ और रिलीजियस साइट्स को शोकेस किया था. फिर सेकेंड प्राइज जो है महाराष्ट्र को मिला है और थर्ड यूपी को. बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट की बात करें तो आर्मी की जो पंजाब रेजिमेंट है उसको मिला है इसमें. मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स कैटेगरी में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला है. CAPF के बीच में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो हमारी हैं उसमें CRPF ने टॉप किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? भारत की रैंक है इसमें 85th. टॉप किया है इस इंडेक्स को जापान ने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप? तो ये जीता है जर्मनी ने और भारत में ये जो मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप है भारत में हुआ था. ठीक है, जर्मनी इसमें जो है विनर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन मेंस सिंगल्स टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? इसका आंसर होगा नोवाक जोकोविच. अभी यहाँ पर देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो है ये इसमें कौन कौन रहे हैं विनर्स. सबसे पहली बात तो ये टेनिस टूर्नामेंट है. मेंस सिंगल्स का टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं. किसको हराकर? स्टेफिनोस सित्सिपास को हराकर जीता है, ये ग्रीस से बिलोंग करते हैं. विमेंस सिंगल्स का टाइटल एरिना सबलेंका ने जीता है, बेलारूस से हैं ये. और एलेना रिबिकिना को हराकर इन्होंने जीता है, ये कजाकिस्तान की प्लेयर हैं. अगला क्वेश्चन है विच पुलिस स्टेशन अवार्डेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया? ये है उड़ीसा का अस्का पुलिस स्टेशन. हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? 2022 मिस यूनिवर्स आर बॉनी गैब्रियल हैं, USA से बिलोंग करती हैं. वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? ये जो इंडेक्स है मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के लिए होता है. ठीक है, तो भारत की रैंक इसमें रही है 4th. टॉप किया है इसको USA ने. वर्ल्ड में 4th नंबर पर मोस्ट पावरफुल मिलिट्री भारत के पास है. विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ 2023 ICC अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप? तो इसमें इंडिया जो है ये विनर रहा है. कहाँ पर हुआ था ये वर्ल्ड कप? साउथ अफ्रीका में. इंडिया का पहला टाइटल था ये और रनर अप इसमें रहा इंग्लैंड. अगला क्वेश्चन है विच IIT हैज़ डेवलप्ड भार ओएस इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम? तो जिस तरह से आप देखते हैं ना लैपटॉप में
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ वगैरह, उसी तरह से मोबाइल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो भारत का अपना एक इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम ये बनाया है IIT मद्रास ने, जिसका नाम है VAR OS। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023? ये 11 बच्चों को मिला है 2023 का PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। विच स्टेट विल बी द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025? ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जिसका लक्ष्य है कि 2025 तक फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट ये बन जाएगा। वट इज़ द मैस्कॉट ऑफ 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? इसका मैस्कॉट है आशा, एक चीता का नाम है ये आशा, जो कि रखा गया है मैस्कॉट 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का। हु वन मेंस सिंगल्स टाइटल एट इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप? कुल्लूवत विदित सर्न जो हैं ये रहे हैं मेंस सिंगल्स टाइटल में, इन्होंने ये जीता है, चैंपियनशिप जीती है, थाईलैंड के प्लेयर हैं। चराई देव मोयडम्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये जो है असम में लोकेटेड है। और क्यों हम बात कर रहे हैं ये मोयडम्स की, क्योंकि इन्हें नॉमिनेट किया गया है फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्कूल्स फॉर एमिनेंस प्रोजेक्ट? पंजाब ने लॉन्च किया है ये, इसके तहत स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारे कोर्सेज बच्चों के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? तो इंडिया और इजिप्ट के बीच ये एक्सरसाइज है, साइक्लोन 1 इसका नाम है, कोई चक्रवात नहीं है, एक्सरसाइज है। वट इज़ इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, विच इज़ इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स? तो ये डिस्ट्रिक्ट है वायनाड, जो कि केरला में लोकेटेड है। क्रिस हिपकिंस बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। हु बिकेम द यंगेस्ट एवर टू हिट अ डबल सेंचुरी इन ODI? तो ये हैं शुभमन गिल। फास्टेस्ट डबल सेंचुरी ODI में ये किसने लगाई है? ईशान किशन ने लगाई है। रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी डिस्कवर्ड न्यू एक्सोप्लैनेट नेम्ड LHS 475B? तो अगर सिर्फ यही पूछ लिया जाए कि LHS 475B क्या है, एक एक्सोप्लैनेट है जो कि डिस्कवर किया है NASA ने। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट? अच्छे से याद होगा, कोल्लम केरला का है। हु हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर? परख, जिसका नाम है, ये लॉन्च किया है NCERT ने। परख क्या है ये? इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी NSA? ये हैं पंकज कुमार सिंह। एक्सरसाइज वरुण जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच कंडक्ट की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2023 हेल्ड इन विच सिटी? दावोस स्विट्जरलैंड में WEF की 2023 की एनुअल मीटिंग ये देखने को मिली थी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ OECD, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट? OECD के नए चीफ इकोनॉमिस्ट क्लेयर लोम्बार्डेली। विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी? ये स्टेट है राजस्थान, और राजस्थान ने ही हेल्थ बिल जो है वो पास किया, राइट टू हेल्थ बिल उसको भी पास किया था। वट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन? इसका नाम है स्काई हॉक, इंडिया का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन है। वेन इज़ इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? 15 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। सेंटर ने अप्रूव किए हैं 2600 करोड़ रुपये किस लिए? टू प्रमोट रुपये भीम UPI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी 2nd इज अ सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल? ठीक है, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, पृथ्वी 2nd जो है S2S है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, SRBM है। वट इज़ INS वागीर? ये एक सबमरीन है जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है। वेन विल आदित्य L1 मिशन बी लॉन्च? 2023 में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा, इंडिया का पहला मिशन है सन के लिए, ठीक है, सन की स्टडी के लिए इसको भेजा जा रहा है। हु बिकेम फर्स्ट IAF इंडियन एयरफोर्स वुमेन पायलट टू डू फ्लाई सुखोई फाइटर जेट इन जापान? ये हैं अवनी चतुर्वेदी। विच इनिशिएटिव हैज़ वॉन द प्लैटिनम अवार्ड इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022? तो इसका आंसर होगा ENAM, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉन्ग वन गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग? ये है नाटू नाटू, और अभी रिसेंटली ही नाटू नाटू को ही ऑस्कर्स में भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। विच स्टेट्स हिस्टोरिकल सिटीज हम्पी एंड मैसूरू हैव बीन इंक्लूडेड इन स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0? तो हम्पी और मैसूरू ये दोनों ही शहर कहाँ पर हैं? कर्नाटक में हैं। विच इज़ द टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स इन 2022? इसका आंसर होगा हनेडा, कहाँ का एयरपोर्ट है? जापान का है ये।
विच सिटी होस्टेड फर्स्ट एवर फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, तो हैदराबाद ने पहली बार इसको होस्ट किया है. विच कंट्री अप्रूव्ड वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर डिक्लाइनिंग हनी बीज, USA के द्वारा ये वैक्सीन जो है अप्रूव की गई है फॉर डिक्लाइनिंग हनी बीज. हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द असम वैभव अवार्ड फॉर 2022-23, डॉक्टर तपन सैका जो हैं इनको असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया है. रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन गॉट 5-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट, ये है हमारा वाराणसी. विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इंडिया के द्वारा लीडरशिप इसकी अभी की जा रही है. विच स्टेट वन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जगह मिशन, ये है उड़ीसा. जगह मिशन जो है स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है उड़ीसा का. कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 19,700 करोड़ रुपए फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. विच कंट्री लॉन्च्ड एशियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन, तो ये चाइना ने लॉन्च की है, एशिया की पहली है. हु हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज ऑन 13 जनवरी 2023, तो ये पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई. इसका नाम क्या है, MV गंगा विलास, ठीक है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज. हु बिकेम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर डिप्लॉयड एट सियाचिन एट ओवर 15,600 फीट, शिवा चौहान इनका नाम है. हु बिकेम इंडियाज 79th ग्रैंड मास्टर, ये है एम प्रनेश. 78th ग्रैंड मास्टर कौस्तव चैटर्जी थे. विच सिटी विल गॉट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इन 2023, कोलकाता में बनाई जा रही है अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, और 2023 के एंड तक ये शुरू हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड जुआरी ब्रिज, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज इन विच स्टेट. जुआरी नदी जो है, रिवर, ये भी गोवा में देखने को मिलती है, तो ये ब्रिज जो है ये भी गोवा में ही आपको टिक करना है. हाउ मेनी पर्सनैलिटीज हैव बीन अवॉर्डेड विद पद्म अवार्ड 2023, 106 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें 6 लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला है, 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया है. हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 74th रिपब्लिक डे 2023, ये थे अब्दुल फतेह LCC, इजिप्ट के प्रेसिडेंट. नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है चंडीगढ़ में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर लॉन्च्ड विच प्लेटफॉर्म टू डिजिटाइज वैक्सीनेशन प्रोग्राम. UWIN जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. क्यों इस दिन, 25 जनवरी 1950 हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है. इन विच सिटी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैलीग्राफिक मुरल हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, ये जो है मक्का में इंस्टॉल की गई है. हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ये बुक के ऑथर हैं डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस. PM मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड हक्कू पात्रा टू बंजारा ट्राइब्स इन विच स्टेट, तो कर्नाटका होगा इसका आंसर. PM मोदी नेम्ड हाउ मेनी अंडमान आइलैंड आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज, तो 21 अननेम्ड आइलैंड अंडमान में थे जिनका नाम परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पर रखा गया है. एक्सरसाइज एम्फेक्स ये वहाँ पर हुई आदेश में हमें देखने को मिली. पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर, सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी जो होती है 23 जनवरी को, इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. नीलमणि फुकन हु पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज असमीज पॉइट, ठीक है, असम के पॉइट थे ये, और ज्ञानपीठ अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था. विच स्टेट प्रोवाइडेड मेंस्ट्रुअल मेटर्निटी लीव फॉर ऑल फीमेल स्टूडेंट्स, केरला यूनिवर्सिटी में ये जो है मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड की गई है. हु बिकेम द फर्स्ट LGBTQ वुमेन मेंबर ऑफ US सिटी काउंसिल, ये हैं जनानी रामचंद्रन. फिर उसके बाद है अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बींग बिल्ट इन विच स्टेट, अरुणाचल प्रदेश में इसको बनाया जा रहा है. विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनरिक पाल्बोसिक्लिब टैबलेट्स, ये जो है इंडिया ने लॉन्च की है. विच इज़ द फर्स्ट इंडियन UT टू कम्प्लीटली शिफ्ट टू ई गवर्नेंस मोड, ये है जम्मू कश्मीर. इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड सोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन मार्स. उसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, 16 जनवरी को करते हैं. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लिस्टेड पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके द्वारा ये जो अब्दुल रहमान मक्की है इसे
ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में लिस्ट किया गया. व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वीनस मिशन, शुक्रयान इसका नाम है. हु हैज़ वन मेंस सिंगल टाइटल एट 2023 मलेशिया ओपन, ये हैं विक्टर एक्सेलसन. बिजनेस 20 या B20 इंसेप्शन मीटिंग, इसको ऑर्गेनाइज किया गया गांधीनगर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडो रशियन जॉइंट वेंचर हैज़ स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग AK-203 असॉल्ट राइफल इन विच स्टेट, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा इसका आंसर. हिंदू हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में. हु बिकेम फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट, ये होंगे विराट कोहली. हु बिकेम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सुरभि जखमोला इनका नाम है. विच कंट्री स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग श्रीलंका बाय द लार्जेस्ट एवर मार्जिन ऑफ 317 रन्स इन ODI, तो इंडिया इसका आंसर हो जाएगा. इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग बी सेटअप, शिलोंग मेघालय में इसको सेटअप किया जाएगा. हु हैज़ लॉन्च्ड मार्ग पोर्टल फॉर स्टार्टअप मेंटरशिप, तो ये पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया. मार्ग पोर्टल कोई रोड्स या रेलवेज के लिए नहीं है बल्कि स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है. फलक मुमताज वॉन विच मेडल एट नेशनल स्क्वायर चैंपियनशिप, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इंडियाज फॉरन एक्सचेंज रिजर्व इज $562.72 बिलियन. ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये डेटा है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICG शिप कमला देवी हैज़ बीन कमीशन्ड एट कोलकाता. बोंगीत फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया गया असम में. विच कंट्री अपॉइंटेड सोनिया गुआजाजरा एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस पीपल, ब्राज़ील के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई है. सारंग 2023 इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है जो कि IIT मद्रास में सेलिब्रेट किया गया. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जादूनामा, इसके ऑथर हैं अरविंद मंडलोई. हु हैज़ बीन नेम्ड नासाज न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, ये हैं AC चरनिया. वी शोराद या फिर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, ये जो है इसे डिज़ाइन और डेवलप किया है DRDO ने. नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी इस दिन होती है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू ग्लोबल बिजनेस हेड ऑफ मेटा इन इंडिया, विकास पुरोहित हैं ये. रॉस क्रिस्टियाने रपोंडा अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, आंसर होगा गैबोन. हु हैज़ रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट जयपुर फिल्म फेस्टिवल, अपर्णा सेन को ये दिया गया है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, केवल किरण क्लोदिंग लिमिटेड ये जो है ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है इंडियन क्रिकेट टीम का. वेन इज़ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, 28 फरवरी. हु बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ बॉल्स फेस्ड, सूर्य कुमार यादव ये बने हैं फास्टेस्ट प्लेयर जो 1500 रन तक पहुँचे हैं. हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल सिख जज ऑफ USA, मनप्रीत मोनिका सिंह है ये. विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट, केरला इसका आंसर है. हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, DY चंद्रचूड़ को दिया गया है. वेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरीवेयर, 9 जनवरी को. 9 जनवरी को गांधी जी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए इस दिन मनाते हैं. विच इज़ द टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स इन 2022, हनोडा टोक्यो में, जापान में, ये हम पहले ही देख चुके हैं क्वेश्चन. विच कंट्री बिकेम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली, इंडिया जो है ये बना है टॉप, इसको किया है चाइना ने, भारत थर्ड नंबर पर है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अम्बेडकर अ लाइफ, ये बुक है शशि थरूर की. नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर ये पंजाब में जो है इनॉग्रेट किया गया है. हु बिकेम फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू हैव स्टैचू कास्ट एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ये हैं बेलिंडा क्लार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में है. वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम, इसको ओपन किया गया है केरला में. पाम लीफ पर जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई हैं उनको यहाँ पर रखा गया है. हु हैज़ वन ओडाकुजल अवार्ड 2022, अंबिका सूथन मंगत को ये अवार्ड मिला है. 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंदौर में. गान नगाई फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ मणिपुर में. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है सियोम ब्रिज, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में.
फिर नेक्स्ट है 108th इंडिया साइंस कांग्रेस, ये हुई नागपुर में। अगला स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द सीएम्स सुखाश्रय सहायता स्कीम, हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये स्कीम जो है ये इंट्रोड्यूस की गई है। व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। किंग गैंग अपॉइंटेड एज यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, आंसर होगा चाइना। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली अडॉप्टेड द यूरो एज इट्स करेंसी, क्रोएशिया ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अडॉप्ट किया है ऑफिशियली। अकॉर्डिंग टू RBI, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल कंटिन्यू टू बी रिमेन एज DSIBs, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, HDFC, SBI और ICICI बैंक, इन तीनों ने ही ये चीज़ जो है कंटिन्यू ये करेंगे RBI के अकॉर्डिंग। कोनेरू हम्पी, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है इन वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैम्पियनशिप, सिल्वर मेडल जीता है। लूला द सिल्वा, ये कौन सी कंट्री के प्रेजिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए हैं, तो ब्राज़ील होगा। हु बिकेम UP's फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर एट नोएडा, ये हैं लक्ष्मी सिंह। विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड स्वस्थ गर्भ ऐप फॉर प्रेगनेंट वुमेन, IIT रुड़की और एम्स दिल्ली के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है, स्वस्थ गर्भ ऐप। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ग्लोबल बिजनेस हेड ऑफ मेटा इन इंडिया, विकास पुरोहित हैं ये। दिल्ली's चाइल्ड राइट बॉडी लॉन्च्ड व्हाट्सएप चैटबॉट नेम्ड बाल मित्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी बिकेम फर्स्ट अर्बन बॉडी इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ग्रीन बॉन्ड्स, ये है इंदौर। विच कंपनी अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट H2ICE हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी फॉर हैवी ड्यूटी ट्रक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ये अनवील किया गया है। विच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड AI चैटबॉट बार्ड, इसको गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है। पहला Y20 इंसेप्शन मीटिंग ये हमें देखने को मिला गुवाहाटी में। रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री इन कर्नाटका, PM मोदी के द्वारा ये जो है इनॉग्रेट किया गया। साथ ही कर्नाटका में ही शिवमोगा एयरपोर्ट को भी PM मोदी ने इनॉग्रेट किया। व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी Zoop मौसम खराब है इसलिए प्लेन ज़्यादा ऊपर से नहीं जा रहे ना, खैर व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी Zoop हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, इसको इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। हु वन द नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023, ITBP के द्वारा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा इसको जो है जीता गया है। हु हैज़ इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लीडर, नरेंद्र मोदी हैं ये। उसके बाद इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव इन एनर्जी डिफेंस एंड इकोनॉमी विद विच टू कंट्रीज, फ्रांस और UAE के साथ इंडिया ने ये ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव को इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तीन कौन से कोऑपरेशन हैं, एनर्जी डिफेंस और इकोनॉमिक फील्ड। दीपा कर्माकर जिमनास्टिक से बिलोंग करती हैं और इन्हें जो है 21 महीने के लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है, डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद। हु हैज़ लॉन्च्ड विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली, जी किशन रेड्डी जो कि हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। व्हेन इज़ वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड, 4 फरवरी को होता है। विच कंट्री विल हॉस्ट फुटबॉल्स 2027 एशिया कप, सऊदी अरबिया इसका आंसर होगा। MP गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है MP गवर्नमेंट ने चेंज किया है भोपाल के इस्लाम नगर विलेज का नाम टू जगदीशपुर, ठीक है। हु हैज़ डिक्लेयर्ड जय जय महाराष्ट्र माझा एज स्टेट सॉन्ग, एकनाथ शिंदे के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है महाराष्ट्र का स्टेट सॉन्ग, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, ये होगा गोवा। विच कंट्री विल बी थीम कंट्री एट 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर, तो इंडिया इसमें थीम कंट्री रहने वाली है। अच्छा, इंडिया में जो इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ था कोलकाता में, उसमें स्पेन थीम कंट्री थी, ठीक है, और अब जो स्पेन में होने वाला है मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर, उसमें इंडिया रहने वाली है। मैनुअला रोगा बोटे बिकेम फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये इक्वाटोरियल गिनी की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। विच कंट्रीज़ ओडिशा डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट, हमारे यहाँ उड़ीसा है, ओडिशा कहाँ पर है, यूक्रेन में है। हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया, ये है हरमनप्रीत कौर, इंडियन जो फीमेल क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, 2 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। 2 फरवरी को क्यों,
2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन पर सिग्नेचर हुए थे। और रामसर कन्वेंशन किस लिए है? वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए है, तो इसीलिए इस दिन मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 30th नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? अहमदाबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड समग्र शिक्षा अभियान टू एम्पावर अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स? उत्तर प्रदेश के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान इसे लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री टू बिल्ड इन विच स्टेट? इसको उत्तराखंड में बनाया गया। पेटर पावेल बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? चेक रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट बने हैं। नरेश लालवानी जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे हैं। राजीव रघुवंशी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं। और फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जो हैं हमारे, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है बाय यूके यूनाइटेड किंगडम। फिर उसके बाद FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड ये वीके पांडियन को मिला है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर पेगी मोहन को मिला है। ABK प्रसाद इन्होंने जीता है राजा राममोहन रॉय नेशनल अवार्ड। द पॉलिटी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इसके ऑथर हैं ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मेघनाथ देसाई। बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे इसे पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स इसको JP नड्डा ने लॉन्च किया है, BJP के ये प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के बारे में है, तो एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार इसे कंडक्ट किया इंडियन आर्मी ने नॉर्थ बंगाल में। X-57 मैक्सवेल ये एक इलेक्ट्रिक प्लेन है जिसे डेवलप किया है नासा ने। सूरज क्या है? सोलर पावर्ड ड्रोन अनवील्ड बाय ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस जो है इसके द्वारा सूरज को अनवील किया गया है, एक सोलर पावर्ड ड्रोन है। फिर है Janus-1 वर्ल्ड का पहला क्लाउड बिल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के SSLV-D2 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 में देखें तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। और नेक्स्ट है मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला RV प्रसाद को। हिंदुस्तानी वोकलिस्ट पद्म विभूषण डॉक्टर प्रभा आत्रे इनको पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी इसके ऑथर हैं काकी माधव राव। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 इसे रिलीज किया है रंजन गोगोई ने जो कि हमारे फॉर्मर CGI हैं। रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग इसके ऑथर हैं तमल बंदोपाध्याय। जान शक्ति मी एज द विटनेस ये ऑटोबायोग्राफी है प्रोफेसर KK अब्दुल गफ्फार की जो कि एक टेक्नो एजुकेशनलिस्ट हैं और इस बुक को रिलीज़ किया है MS धोनी ने। नेक्स्ट है स्पेयर अ मेमोयर बाय प्रिंस हैरी ब्रिटिश रॉयल मेंबर हैं प्रिंस हैरी इनके द्वारा इसको लिखा गया है लॉन्च किया गया है। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज COVID-19 वैक्सीन स्टोरीज के ऑथर हैं आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर। कम लेट्स रन इसके ऑथर हैं MA सुब्रमण्यम तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर हैं ये। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम इसके ऑथर हैं R कौशिक और R श्रीधर। अगला देखते हैं इक्षक थर्ड शिप ऑफ द फोर्स सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट ये जो SVL प्रोजेक्ट है इसके तहत तीसरा शिप लॉन्च किया गया है इक्षक कहाँ से? चेन्नई से। सानिया मिर्जा ये बनी है इंडिया की पहली फीमेल मुस्लिम फाइटर पायलट UP से बिलोंग करती हैं। वीर गार्जियन 23 ये एयर कम्बैट एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच। स्वॉट स्पेसक्राफ्ट ये क्या है लॉन्च किया गया नासा के द्वारा किस लिए? टू सर्वे अर्थ वाटर ठीक है। BF.7 ये क्या है नया कोविड वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। IIT कानपुर ने डेवलप किया है आर्टिफिशियल हार्ट फॉर डीलिंग एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम्स ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन पहला केस इसका साउथ कोरिया से डिटेक्ट किया गया है। सुंदर रमन रामामूर्ति MD और CEO बने हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंपॉर्टेंट है इनका नाम याद रखना है आपको। क्लॉडिन गे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पहले ब्लैक और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट के बनी हैं। फिर सुहेल अजाज खान इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द इंडियाज एम्बेसडर टू सऊदी अरबिया।
2022 PM's Prize for Excellence in Science Teaching इसके विनर रही वीना नायर, इंडियन ऑरिजिन ऑस्ट्रेलियन है। स्वयं शिक्षण प्रयोग ने जीता है लोकल अडाप्टेशन चैंपियंस अवार्ड, कहाँ पर, COP27 इजिप्ट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कृष्णा वेविलाला, इंडियन अमेरिकन है, इन्होंने रिसीव किया है US प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर ने जीता है पहला प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन, 30th एकलव्य पुरस्कार, इसके विनर रही स्वस्ति सिंह, इंडियन साइकिलिस्ट हैं। फर्स्ट गौरी अम्मा अवार्ड ये दिया गया डॉक्टर एलिडा गुएवारा को, क्यूबन सोशल एक्टिविस्ट हैं। अटल सम्मान अवार्ड दिया गया है प्रभु चंद्र मिश्रा को फॉर एक्सीलेंस इन साइंस एंड रिसर्च। फिर नेक्स्ट देखिए मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, इसके ऑथर हैं मानसी गुलाटी, द लाइट वी कैरी के ऑथर मिशेल ओबामा, फिट एंड एनी एज अ प्रैक्टिशनर्स गाइड, इसके ऑथर हैं एयर मार्शल PV अय्यर, द इंडियन नेवी एट 75, इसके ऑथर रंजीत राय और आरित्रा बनर्जी हैं, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, इसके ऑथर हैं विक्रम संपत। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा ये तो हम देख ही लिया है हमने, मानसी गुलाटी हैं, द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा। क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2022-23, इसका आंसर होगा USA। 2022-23 में भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर USA बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वन मैक्सिमम मेडल एट 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, तो ये कंट्री है कजाकिस्तान, इसने जीते हैं मैक्सिमम मेडल, और किस में जीते हैं, एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में। इंडिया ने इसमें जीते हैं 14 मेडल्स, एक गोल्ड मेडल इसमें हमें 14 में से एक गोल्ड मेडल मिला है जो कि जीता है अमन सहरावत ने, ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि कई सारे मेडल्स फिलहाल इन्होंने जीते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, तो मिलिट्री के ऊपर कौन सी कंट्री कितना एक्सपेंडिचर करती है, कितना खर्चा करती है, इस मामले में जो रैंकिंग की गई है भारत की रैंक रही है 4th। ठीक है, और किसने इस रिपोर्ट को जारी किया है, ये रैंक किसने शो की है, तो ये है सिप्री, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही ये जारी करता है, साथ में यही ये बताता है कि कौन सी कंट्री कितना इंपोर्ट करती है, हथियारों का एक्सपोर्ट करती है, और इसी के साथ मिलिट्री एक्सपेंडिचर को भी इसने बताया है जिसमें टॉप कंट्रीज़ रही हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2022, इसमें टॉप है USA, फिर चाइना, इंडिया की रैंक 4th है, $81.4 बिलियन मिलिट्री एक्सपेंडिचर हमारा रहा है 2022 में, और टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना रहा है, $2,240 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, आंसर होगा उत्तर प्रदेश, और इसका नाम क्या है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, वल्चर्स जो हैं उनके लिए इस सेंटर को बनाया गया है। वल्चर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं तो विश्व में कुल 23 प्रजातियां पाई जाती हैं वल्चर्स की, इन 23 में से भारत में हमें 9 प्रजातियां या फिर 9 स्पीशीज़ जो हैं या फिर ब्रीड्स हैं वल्चर की देखने को मिलती हैं। इन्हीं वल्चर्स के लिए एक हमने प्रोग्राम भी शुरू किया था 2020 से 2025 तक के लिए, इसको शुरू किया गया वल्चर्स के कंजर्वेशन के लिए, और इसी के तहत हमें बहुत सारे ब्रीडिंग सेंटर्स जो हैं या फिर कंजर्वेशन सेंटर्स ये बनाने थे। ठीक है, और इसी में जो पहला बनाया गया है उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, इसी तरह से और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनका नाम जो है प्रपोज्ड है। ठीक है, पहला हमें देखने को मिला जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है हु वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2023, आंसर है नंदिनी गुप्ता फ्रॉम राजस्थान, और रनर अप इसमें रहीं श्रेया पूंजा, ये दिल्ली से हैं। What is the rank of India in Logistic Performance Index 2023? भारत की रैंक है इसमें 38, टॉप किया है सिंगापुर ने, रिलीज़ करता है इसको वर्ल्ड बैंक। Which kings कांगड़ा टी which states कांगड़ा टी got the European GI tag? तो कांगड़ा टी आपको याद रखना है कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से है, जिसको European GI tag दिया गया है रिसेंटली। Which state became first in India to have 100% electrified railway network? ये state है हरियाणा। Recent के आपने current affair अगर किए होंगे पिछले महीने के, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होंगी। Who has planned to launch Truth GPT AI platform? तो ये एक artificial intelligence platform है जिसको Elon Musk के द्वारा plan किया गया है launch करने का।
विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट, ये स्टेट है केरला, और वाटर को लेकर जो भी स्कैर्सिटी गर्मियों के दिनों में फेस करनी पड़ती है लोगों को, उससे निपटने के लिए वाटर बजट लाया गया है. हु इज़ द वेल्दीस्ट सीएम इन इंडिया, ये है आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगन मोहन रेड्डी. और लीस्ट वेल्थ जिनके पास मिली है वो कौन है, तो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनके पास सबसे कम है. ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है लीस्ट वेल्दीस्ट है ममता बनर्जी. फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेट्रो बिकेम इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन टू रन अंडर रिवर, ये है कोलकाता, और 2023 मतलब दिसंबर 2023 तक ये ऑपरेशनल हमें देखने को मिल जाएगी. विच कंट्री होस्टेड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023, तो इंडिया ने होस्ट किया, इंडिया में भी नई दिल्ली में इसको होस्ट किया गया है. वट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, इसका नाम है रैपिड एक्स. विच स्टेट्स गोंड पेंटिंग गॉट GI टैग रिसेंटली, तो गोंड पेंटिंग जो है ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, जिसे GI टैग दिया गया है. विच कंट्री रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम H3N8 बर्ड फ्लू, तो इससे जो है चाइना में पहला ह्यूमन डेथ रिकॉर्ड किया गया है. हु रिलीज्ड स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2021-22, तो आंसर होगा RK सिंह, जो कि हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, इंडेक्स जो है डेवलप किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने, और ये असेस करता है प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन एनर्जी इफिशियंसी. फ्रंट रनर कैटेगरी में देखें तो ऐसे स्टेट्स आते हैं जिन्हें 60 पॉइंट्स से ज़्यादा मिले हों, और इनमें टॉप स्टेट्स हैं हमारे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान और तेलंगाना. अचीवर कैटेगरी में ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें 50-60 पॉइंट्स मिले हैं, और इनमें टॉप स्टेट्स हैं असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ लॉन्च्ड वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश, तो अमित शाह इसका आंसर होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम है, ये प्रोग्राम है जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया है. मेनली काम क्या है कि बॉर्डर विलेजेस जो भी हैं उनका डेवलप करना. ठीक है, 4 स्टेट और 1 UT में, अरुणाचल प्रदेश, UK, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख. ठीक है, लॉन्च किया गया है किबुथू अरुणाचल प्रदेश से. फाइनेंशियल एलोकेशन इसके लिए 4800 करोड़ रुपए दिए गए हैं 2022-23 से 2025-26 तक के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड, 2014 में ये योजना लॉन्च की गई है, और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि टोटल बैलेंस इन प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स इसने 2,00,000 करोड़ को क्रॉस कर दिया है. विच कंपनी वन द बेस्ट प्रोडक्शन और प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड, ये कंपनी है भारत बायोटेक, हैदराबाद बेस्ड ये एक कंपनी है. हु हैज़ लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स, तो देखिए अभी हमारा जो है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, और उसको अभी हो गए हैं 50 साल पूरे, तो इस उपलक्ष्य में ही प्रधानमंत्री के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसको लॉन्च किया गया था. PM मोदी ने इसे लॉन्च किया शुरुआती 5 साल के लिए, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 5 ईयर होंगे उसके लिए भारत ने $100 मिलियन का असिस्टेंस इसमें प्रोवाइड किया है. फिर आगे आने वाले टाइम में जो बाकी अदर मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भी पैसा प्रोवाइड करेंगी, और 93 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है. ठीक है, मतलब इसमें शामिल हुए हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में. तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन ये सिर्फ टाइगर्स के लिए नहीं है, जो 7 बिग कैट्स हैं जो भारत में मिलती हैं उनके कंजर्वेशन के लिए. ठीक है, तो PM मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. उस बिग कैट्स में टाइगर आ जाता है, लायन आ जाता है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, जैगुआर, प्यूमा, ये सभी आ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट, इसका नाम है सूर्यवंशु. फिर है विच स्टेट्स एरोमेटिक मर्चा राइस गॉट GI टैग, बिहार का है ये मर्चा राइस. अमित शाह ने अनवील किया 54 फीट हाई स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान इन गुजरात. विच स्टेट्स नागरी दुबराज राइस वेराइटी हैज़ गॉट GI टैग, छत्तीसगढ़ की है ये नागरी दुबराज राइस वेराइटी. हु बिकेम फर्स्ट फीमेल अंपायर इन मेन्स T20 इंटरनेशनल मैच, तो ये हैं किम कॉटन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंडियाज GI लिस्ट GI टैग लिस्ट इन FY 2022-23, 2022-23 में सबसे ज़्यादा जिस स्टेट को GI टैग्स मिले हैं ये है केरला. विच स्टेट्स आदम चीनी राइस गॉट GI टैग रिसेंटली, ये है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें रिसेंटली GI टैग दिया गया है, ये हैं बनारसी पान, लंगड़ा आम,
रामनगर भाटा, भाटा जो है ब्रिंजल को बोलते हैं यूपी में, चंदौलीज आदम चीनी चावल, ये जो राइस है इसको भी मिला है, जी आई टैग यूपी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023, ये चैंपियनशिप इंडिया ने जीती है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो हमारी है इसके द्वारा शुरू की गई है, लॉन्च की गई है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इसका एम है टू प्रोवाइड सस्टेनेबल प्लेसमेंट्स फॉर रूरल पुअर यूथ। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी, इसको लॉन्च किया है नॉर्वे ने। वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रीज विद मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट, तो भारत की रैंक है इसमें 5th, टॉप किया है USA ने। विच कंट्री बिकेम 31st मेंबर ऑफ नाटो, ये बनी है फिनलैंड। तो नाटो के अब कितने मेंबर हो गए, 31 हो गए, 1949 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बी बिल्ट इन विच सिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, पहला लार्जेस्ट वो भी मतलब जो लार्जेस्ट है वो भी भारत में ही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और तीसरा कौन सा है, जयपुर है, ये भी भारत में है। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द डायलॉग पार्टनर इन द SCO, तो ये है सऊदी अरबिया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डायलॉग पार्टनर बना है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया बाय 2030, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया है। इसरो का वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च्ड हाउ मेनी सैटेलाइट ऑन वन वेब, तो ये हैं 36 सैटेलाइट्स। वन वेब जो है ब्रिटिश स्टार्टअप है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB जो है इसका, इसके जो नए प्रेसिडेंट हैं डिल्मा रोसेफ को अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ लॉन्च्ड APPI यानी कि एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, तो ये इनिशिएटिव जो है परशोत्तम रूपाला के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये हमारे फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इसको भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है हमारे। यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में देखें तो इनॉग्रेट बाय भूपेंद्र यादव। एम है इसका टू क्रिएट 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट अराउंड अरावली माउंटेन रेंज, ये हेल्प करेगा टू कम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड टू रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड। अरावली जो है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ऑन अर्थ, रेंज है इसकी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक, और हाईएस्ट पीक है इसकी गुरु शिखर जो कि माउंट आबू में हमें देखने को मिलती है। माउंट आबू कहें राजस्थान में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव, केरला का है ये। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद मोस्ट पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर, ये है हमारा वेस्ट बंगाल। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड, ये हैं दीपिका मिश्रा। विच स्टेट वॉन नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना, इसके लिए कर्नाटक को दिया गया है अवार्ड। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टू ओपन फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन विच सिटी, आंसर होगा अबू धाबी। इसरो ने लॉन्च किया है टेलियोस 2 सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री, ये सैटेलाइट जो है सिंगापुर का है। एप्पल्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया हैज़ बीन ओपन इन विच सिटी, तो बहुत न्यूज़ में आया था मुंबई में जो है एप्पल का पहला स्टोर भारत में ये खोला गया है। हु हैज़ लॉन्च्ड साथी पोर्टल इन मोबाइल ऐप, तो इसे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। हु विल रिसीव लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023, इसका आंसर होगा आशा भोसले। विच कंट्री ओवरटुक चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो ऑफकोर्स इट इज़ इंडिया। रिसेंटली G7 मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन क्लाइमेट एनर्जी एंड एनवायरमेंट हेल्ड इन विच कंट्री, जापान में हुई है। ल्यूसी स्पेस मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी, इसका आंसर होगा नासा। हु हैज़ रिसीव्ड जर्मनीज हाइएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये मिला है एंजेला मार्केल को, जिन्हें यूनेस्को पीस प्राइज भी मिला था। विच सिटी टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट सिटीज़ 2023, ये है न्यूयॉर्क। मुंबई की रैंक इसमें रही है 21st। विच स्टेट्स कम्बम ग्रेप्स गॉट GI टैग रिसेंटली, तो ये है तमिलनाडु। हु हैज़ लॉन्च्ड युवा पोर्टल रिसेंटली, ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अर्थ एंड साइंसेज हैं। फिर उसके बाद है विच IIT कोलैबोरेटेड विद नासा टू डेवलप लो कॉस्ट कैमरा,
आईआईटी इंदौर ने नासा के साथ कोलैबोरेट किया है इसके लिए. हु इनॉग्रेटेड द बूजी ब्रिज इन मोजाम्बिक? तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया है मोजाम्बिक में बूजी ब्रिज. अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो किरण रिजिजू, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो हैं, इनके द्वारा पहला एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसको रिलीज़ किया गया है. डोगरी कहाँ की लैंग्वेज है? जम्मू कश्मीर की. रिसेंटली विच पोलिटिकल पार्टी गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी? तो ये है आम आदमी पार्टी. और इसी के साथ में तीन ऐसी पार्टियाँ हैं जिन्हें नेशनल पार्टी का स्टेटस जिनका हटाकर स्टेट पार्टी कर दिया गया है. तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी पार्टीज़ हैं वो. हु हैज़ इनॉग्रेटेड गज उत्सव 2023? द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रेसिडेंट जो हैं, उनके द्वारा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में से इनॉग्रेट किया गया. अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि असम में ही जो है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, लेकिन जब हम बात करें एलिफेंट रिजर्व की तो वो हैं सबसे ज़्यादा असम में. ठीक है, तो गज उत्सव असम. किरीत पारिख कमेटीज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये नेचुरल गैस प्राइसिंग से रिलेटेड है किरीत पारिख कमेटी. विच स्टेट टॉप्ड इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022? इसमें कर्नाटक ने टॉप किया है, यूपी रहा है बॉटम पर. हु हैज़ लॉन्च्ड सागर सेतु मोबाइल ऐप? इसको लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज हैं ये. आर्टमिस 2 मून मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? इसका आंसर होगा नासा. 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा. विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज लिनक्स? तो श्रीलंका ने इसको होस्ट किया, इंडिया और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज होती है. Who has been appointed as Vice Chief of Naval Staff? Answer है संजय जसजीत सिंह. When RBI Foundation Day is observed every year? तो ये हर साल 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1934 को RBI की स्थापना हुई थी. Who has won men's singles title at 2023 Swiss Open? तो इसमें जो है कोकी वतानबे जो है इन्होंने men's singles का टाइटल जीता है, जापान से बिलोंग करते हैं ये. Who became first person to swim from Gateway of India to Elephanta Caves? Answer है कृष्णा प्रकाश. USA launched exercise Balikatan in with which country? तो फिलीपींस के साथ USA ने इस एक्सरसाइज को लॉन्च किया है. तो आपको ऐसी ज़रूर याद रखनी है जो इंडिया और जिसमें शामिल नहीं है. ठीक है, which IIT developed a pocket friendly device to detect maladministration? IIT Madras है इसका आंसर. फीमेल चीता साशा फाउंड डेड एट विच नेशनल पार्क रिसेंटली? तो कूनो नेशनल पार्क में हमें पता है चीतास को रिलोकेट किया गया है. अभी MP में ही दूसरा एक जो है नेशनल पार्क है जो रेडी किया जा रहा है चीतास के लिए, लेकिन फिलहाल सिर्फ कूनो नेशनल पार्क ही है, जहां पर नामीबिया से पहले 8 चीता लेकर आए गए थे, फिर साउथ अफ्रीका से 12, और उन 8 में से एक जो है फीमेल चीता साशा, इसकी डेथ हो गई थी. NHAI to develop 10,000 kilometer of optical fiber cables across India by 2025 तक. ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं इनको NHAI के द्वारा बिछाया जाएगा. नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बींग बिल्ट इन विच स्टेट? आंसर होगा मेघालय. विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? तो टाइफा वन जो है ये केनिया की पहली ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. Which bank has launched India's first voice biometric authentication banking app? City Union Bank के द्वारा launch किया गया है. Which ministry has launched संगठन से समृद्धि campaign? Ministry of Rural Development के द्वारा इसको launch किया गया. Who has been awarded for the Malcolm Adisesia Award 2023? Answer होगा उत्सा पटनायक. Next देखें तो center ने approve किया है project worth 638 crore रुपीस अंडर नमामि गंगे. तो 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए हैं 638 करोड़ रुपए तक के वो, और नमामि गंगे प्रोग्राम जो है इसके तहत लॉन्च किए गए. इंडिया का पहला मैनग्रोव पिट्टा बर्ड सेंसस हैज बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट? आंसर होगा उड़ीसा. विजडन T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ 2022 ये रहे हैं सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर. विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट? आंसर होगा सीरिया. फिर नेक्स्ट है विच कंट्री टू चेयर कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑन रिफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल आर्किटेक्चर? इसका आंसर है इंडिया. विच इज़ द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड? MRF टायर है ये. हु बिकेम फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन IPL? ये है कागिशो रबादा.
which two Indian has been included in the Time Magazine's 100 Most Influential People list 2023? ये हैं शाहरुख खान और SS राजामौली. 25 feet tall bronze statue of Dr. B.R. Ambedkar has been unveiled in which city? Answer है हैदराबाद. G20 meeting of agricultural chief scientist ये हुई वाराणसी में. Which country became first to approve Oxford malaria vaccine for children? ये country है Ghana. Which country is the world's most criminal country? ये है Venezuela. India का पहला 3D printing office has been set up in which city? तो Bangalore होगा. Which state's Suhelwa sanctuary recorded first photographic proof of tigers? तो ये है उत्तर प्रदेश. और टाइगर्स की जो है सेंसस जो है हर चार साल में होता है. 2022 में जो सेंसस हुआ, 2023 में उसको रिलीज़ किया गया था, जिसमें ये देखने को मिला कि पहला फोटोग्राफिक प्रूफ ऑफ टाइगर ये हमें सुहेलवा, मतलब सुहेलवा में अभी तक टाइगर्स नहीं मिलते थे, पहली बार ही है जब सुहेलवा जो सेंचुरी है यहाँ पर टाइगर्स देखने को मिले. ठीक है. विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट संजीवनी फॉर लाइफ स्टॉक हेल्थ केयर? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश. रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S. जयशंकर लॉन्च्ड द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? युगांडा में इसको प्रोजेक्ट को किया गया है. विच IIT पार्टनर्ड विद UIDAI टू डेवलप अ टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम? ये है IIT बॉम्बे. हु बिकेम फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 6000 रन्स इन IPL? इनका नाम है डेविड वार्नर. विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन या फिर टेम्पो मिशन? इसको नासा ने लॉन्च किया है. Who has won 2023 International Prize in Statistics? ये हैं C.R. Rao. Which state became best performing Northeast state in e-procurement? तो ये होगा त्रिपुरा. Who will launch centralized portal प्रवाह? प्रवाह की फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन फॉर लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल एप्लीकेशंस? तो ये है RBI. Who will head the committee to relook at pension schemes? ये हैं TV सोमनाथन, जो कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं. What is the rank of India in FIFA men's ranking? तो भारत की रैंक है इसमें 101st, टॉप किया है अर्जेंटीना ने. Who has topped in 2023 Time 100 Reader poll? शाहरुख खान होगा आंसर. Which country will become world's second solar manufacturer by 2026? भारत है जो 2026 तक सेकेंड सोलर मैन्युफैक्चरर होने वाला है. Which IIT hosted Youth 20 consultation under G20 presidency? ये होगा IIT कानपुर. Which country launched new OFAC 13 spy satellite into orbit? Israel है इसका आंसर. Who has been appointed as executive director of RBI? नीरज निगम है. उत्कल डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा में. इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक इज नाउ ऑपरेशनल इन विच सिटी? तो ये नई दिल्ली में ऑपरेशनल है. Who is the author of नेपाली novel फुलांगे? इसके ऑथर हैं लेखनाथ छेत्री. Who became the highest wicket taker in T20 international? शकीब अल हसन हैं. अमित शाह ने अनवील किया है स्टैचू ऑफ लॉर्ड बसवेश्वरा एंड नाद प्रभु कैंपेगौड़ा इन विच सिटी? आंसर है बेंगलुरु. Who has launched कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन? PM मोदी ने इसे लॉन्च किया है. लॉन्च्ड डिजी क्लेम फॉर क्विकर सेटलमेंट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स? तो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा ये डिजी क्लेम को लॉन्च किया गया है. इंडिया का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व इसको हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन विच स्टेट और यूटी? आंसर होगा लद्दाख. विच इज़ द रैंक ऑफ इंडिया वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022? भारत की रैंक है 68, टॉप किया है इसे फिनलैंड ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक वन बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर इंडिया? कैनरा बैंक को मिला है अवार्ड. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? हंस राज गंगाराम अहिर जो हैं इन्हें OBC जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन बना है इसका हेड बनाया गया, चेयरपर्सन बनाया गया है. हु हैज़ वन मिसेज वर्ल्ड 2022 टाइटल फॉर इंडिया आफ्टर 21 ईयर्स? ये हैं सरगम कौशल. विच कंट्री वन टाइटल ऑफ थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड? आंसर होगा इंडिया. नेक्स्ट है वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022? 48 है भारत की रैंक इसमें. विच टीम वन टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23? इसमें सौराष्ट्र ने जीती है ये ट्रॉफी. विच कंट्री अज्यूम्ड द प्रेजिडेंसी ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? तो भारत जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेजिडेंसी भारत को दिसंबर के लिए ये मिली है. अभी ये देखिए जितने भी मेंबर्स होते हैं ना UNSC के,
उनको एक एक महीने के लिए सभी मेंबर्स को प्रेसिडेंसी दी जाती है इस तरह से, ठीक है। 2 दिसंबर के लिए भारत को मिली थी। हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिस अर्थ 2022, तो मीना सुई चोई जो हैं ये मिस अर्थ 2022 बनी। विच कंपनी टेस्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन, तो इसमें होगा ईजी जेट और रॉल्स रॉयस, ये दोनों कंपनीज ने टेस्ट किया है। डीजी यात्रा इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है ये इनिशिएटिव। इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय अग्निकुल कॉस्मोस। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आमलान प्रोग्राम टू रिड्यूस एनीमिया, उड़ीसा ने लॉन्च किया है। उड़ीसा के सीएम जो है नवीन पटनायक, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड रीहैब प्रोजेक्ट इन नैनीताल, इसको मनोज कुमार ने लॉन्च किया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड्स क्यूजींस लिस्ट ऑफ 2022, तो आंसर होगा 5th। पहले नंबर पर इटली रहा है, सेकंड पर ग्रीस रहा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं केवी शाहजी, और नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंडिया चाइना ट्रूप्स क्लैश्ड अलोंग एलएसी इन तवांग रीजन ऑन 9 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर, जापान ने लॉन्च किया है। लैंडर M1 है इसका नाम, वर्ल्ड का पहला कमर्शियल या फिर प्राइवेट लूनर लैंडर है जिसे आई स्पेस ने लॉन्च किया, जापान की स्पेस स्टार्टअप है ये। 48th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, नई दिल्ली में हुई है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, PM विकास स्कीम जो है ये इसका नया नाम है, अनाउंस किया है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति जुबैन ईरानी ने। विच टीम वन 2022 प्रो कबड्डी लीग टाइटल, तो ये टाइटल जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। हु इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2022, ये है नाओमी ओसाका, टेनिस प्लेयर हैं जापान की। विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ 2022 फीफा वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना ने टाइटल जीता है। पुष्प कमल दहल बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। हु हैज़ won साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आंसर होगा अनुराधा रॉय। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, और 2022 का इंग्लिश लैंग्वेज में अनुराधा रॉय। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट स्केप टनल कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी, आंसर होगा जम्मू कश्मीर। When will गगनयान मिशन बी लॉन्च, तो 2024 में ही लॉन्च होगा। गगनयान मिशन जो है इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है, और इसमें इंडिया 3 मेल एस्ट्रोनॉट और 1 फीमेल रोबोट जिसका नाम है व्योम मित्रा, इनको भेजने वाला है इस मिशन के तहत। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो नितिन गडकरी हैं इसका आंसर। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कल्याणी फेरेस्टा इसका नाम है, इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है ये। हु हैज़ बीन नेम्ड एज पेटा इंडियाज 2022 पर्सन ऑफ द ईयर, इसका आंसर है सोनाक्षी सिन्हा। विच स्टेट और यूटीज रक्त से कार्पो एप्रिकॉट गॉट GI टैग रिसेंटली, लद्दाख है और मोस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स जो हैं कर्नाटका के हैं। विच स्टेट्स तंदूर रेडग्राम गॉट GI टैग रिसेंटली, तो ये है तेलंगाना का तंदूर रेडग्राम, लोकल वेराइटी ऑफ पिजन टी या फिर पिजन पी या फिर तूर दाल है ये लोकल वेराइटी उसकी, तंदूर रेड ग्राम। विच स्टेट्स गामोसा गॉट GI टैग, तो ये है असम का। इंडिया रिसीव्ड 36th एंड लास्ट राफेल एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री, तो राफेल जो है फ्रांस से इंडिया खरीद रहा है। विच कंपनी बिकेम ऑफिशियली पार्टनर्स ऑफ FIH मेन्स वर्ल्ड कप 2023, टाटा स्टील होगा आंसर। 7th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज्ड एट न्यू दिल्ली, इसे इनॉग्रेट किया है जल शक्ति मिनिस्टर ने जो कि हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। थीम है इसकी समिट की रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन बाय द UN इन द वर्ल्ड्स टॉप 10 इनिशिएटिव, नमामि गंगे प्रोग्राम जो है टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया गया है। विच टीम वन द टाइटल ऑफ 4th टेनिस प्रीमियर लीग TPL 2022 जो है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीता है। Who has been appointed as chief scientist of WHO? ये हैं जेरमी फेरर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 1948 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। Who scored fastest double century in ODI? ये हैं ईशान किशन। Who has been appointed as chairman of B20 या फिर Business 20 इंडिया? तो N चंद्रशेखरन को इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया था।
विच सिटी हॉस्टेड फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी? उदयपुर राजस्थान में ये हॉस्ट की गई। G20 जो है 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था, मेंबर है 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, भारत भी इसका पार्ट है, पाकिस्तान पार्ट नहीं है, भारत में ही 2023 में मीटिंग हो रही है। दीना बोलुआर्टे बिकेम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? पेरू होगा आंसर। हु बिकेम इंडिया 77th चेस ग्रैंड मास्टर? आदित्य मित्तल हैं, विश्वनाथन आनंद जो हैं इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। हु इज़ द टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022? तो ये हैं ज़ेलेंस्की। महात्मा गांधी जो हैं ओनली इंडियन रह चुके हैं जो कि टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर बने थे 1930 में। वट इज़ द करेंट रेपो रेट एज फिक्स्ड बाय द RBI? 6.50% है। विच IIT डेवलप्ड सिंधुजा विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स? IIT मद्रास होगा आंसर। विच टू इंडियन कंपनीज इन द टॉप 100 डिफेंस कंपनीज लिस्ट ऑफ सिप्री? ये है HAL और BEL। साइक्लोन मंडोस नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? UAE होगा इसका आंसर। इंडिया का पहला गोल्ड ATM दैट डिस्पेंसेस गोल्ड कॉइन लॉन्च्ड इन विच सिटी? हैदराबाद में, और लॉन्च्ड बाय गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। विच स्टेट लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम? यह है उत्तर प्रदेश की। विच अमंग द फॉलोइंग मेट्रो क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर मेट्रो ब्रिज? आंसर होगा नागपुर, जिसे कंस्ट्रक्ट किया गया है NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो के द्वारा। When is World AIDS Day observed every year? 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, और AIDS जो है फुल फॉर्म है इसकी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस के कारण होता है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव $100 बिलियन इन रेमिटेंस? तो ये है इंडिया। रेमिटेंस क्या है? मनी, ऐसी मनी जो ट्रांसफ़र की जाती है बाय फॉरेन वर्कर्स इन हिज और हर ओन कंट्री। इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर 3D प्रिंटिंग ड्वेलिंग यूनिट एट अहमदाबाद। बेंजामिन नेतन्याहू ये 6th time PM बने हैं इसराइल के। अगला क्वेश्चन है, रेलवेज टू रिनोवेट 1000 स्मॉल स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NHAI? ये हैं संतोष कुमार यादव। NHAI है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ FSSAI? तो गांजी कमला वीराव आंसर होगा। इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम हैज बीन ओपनड इन विच स्टेट? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2022 वुमेन्स FIH हॉकी नेशंस कप? तो ये जो टाइटल है इंडिया ने जीता है, होस्ट कंट्री कौन सी है? स्पेन। रनर अप भी इसमें स्पेन रहा। विच कंट्री पास्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट टोबैको लॉ टू बैन स्मोकिंग? तो ये कंट्री है न्यूजीलैंड। भूपेंद्र पटेल बिकेम CM ऑफ विच स्टेट फॉर 2nd कंसेक्यूटिव टर्म? गुजरात के CM बने हैं। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट अरब बिल्ट ल्यूनर स्पेस क्राफ्ट? UAE होगा आंसर। इंडिया का लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल ओपन एट कोचिन एयरपोर्ट। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? केरला। डिक्लेयर्ड बाय केरला CM पिनराई विजयन। सुखविंदर सिंह सुक्खू बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश होगा आंसर। विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन? तमिलनाडु आंसर है। अंडर दिस मिशन तमिलनाडु विल अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन अहेड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का कब तक है? 2070 तक का। ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 कहाँ पर ये किस सिटी में इसको मनाया गया? तो रोम होगा आंसर इसका। फिर नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब? मेघालय है। विच इंडियन कंपनी वन अर्थ शॉर्ट प्राइज 2022? खेती है इसका आंसर। अर्थ शॉर्ट प्राइज जो है एनवायरमेंट रिलेटेड अवार्ड्स है। मीराबाई चानू वन विच मेडल एट 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। हु हैज़ वन बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स 2022? SS राजामौली के द्वारा ये जीता गया। हु बिकेम फर्स्ट फीमेल रेफरी ऑफ मेंस फीफा वर्ल्ड कप? तो ये हैं स्टेफनी फ्रेपर्ट, फ्रांस से हैं ये। 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया। विच सिटी हैज़ प्लान्ड इंडियाज फर्स्ट रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट्स? इंदौर ने प्लान किया है ये। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय लोकेटेड इन विच सिटी? मुंबई में है ये, और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने जीता है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन।
विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट, तो ये जो है बिहार ने शुरू किया है। 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 नई दिल्ली में हुई, जिसकी थीम है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हु हैज़ लॉन्च्ड द नई चेतना पहल बदलाव की कैंपेन, गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया नई चेतना पहलाव बदलाव की एक कम्युनिटी लेड नेशनल कैंपेन है अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, ये हैं अनिल कुमार लाहोती। विच स्टेट्स धर्मदम बिकम्स फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया, केरला होगा आंसर। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्त बिल, इसे पास किया सबसे पहले महाराष्ट्र ने। लोसर न्यू ईयर फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी, आंसर है लद्दाख। सितिवेनी रबुका बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, फिजी की बनी है। वेन इज वीर बाल दिवस ऑब्जर्व, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अरुणोदयी 2.0 स्कीम, ये जो है असम के द्वारा लॉन्च की गई है। एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फाइनेंशियली वीकर फीमेल्स फैमिलीज, फाइनेंशियली वीकर फैमिलीज। हु बिकेम मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स ऑफ IPL 2023 ऑक्शन, सैम करन बने हैं, ये पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2024, तो UAE जो है इसको होस्ट करने वाला है। WTO जो है 1995 में स्थापित हुआ था, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विच स्टेट लॉन्च्ड फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम फॉर टू प्रमोट रीडिंग, तमिलनाडु ने लॉन्च की है। हु हैज़ बीन नेम्ड 2022 ITF वर्ल्ड चैम्पियंस, तो ये है राफेल नडाल। वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल रैंकिंग इन पब्लिकेशंस ऑफ साइंटिफिक पेपर्स, भारत की रैंकिंग में थर्ड है, टॉप है चाइना। Who became the first Indian to unveil FIFA World Cup trophy? ये हैं दीपिका पादुकोण। Who has been appointed as first Chancellor of Gati Shakti University? आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। Indian origin Leo Varadkar became Prime Minister of which country? Ireland के Prime Minister बने हैं। When is Goa Liberation Day celebrated? 19 December को, क्यों? To mark the success of Operation Vijay. Exercise Surya Kiran इसको conduct किया गया इंडिया और नेपाल के बीच में। Who became the most written about track and field athlete in 2022? ये हैं नीरज चोपड़ा और ये इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं। Which country will be first to auction spectrum for Satcom? आंसर है इंडिया। तमिलनाडु CM MK स्टालिन ने इनॉग्रेट किया है स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयर इन विच सिटी? आंसर है वाराणसी। Government allocated 1037 crore rupees to new India literacy program for next 5 years. India plans to commission how many nuclear power plants by 2031? Answer hoga 20. Forest Department launched Vanikaran project in which state to restore natural vegetation? Kerala mein. Which state is planning genetic enhancement of its indigenous Badri cow? Answer hai iska Uttarakhand. मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? गोवा में। इसको रीनेम किया गया है एज मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच इंडियन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर डियर मून प्रोजेक्ट? ये हैं देव जोशी। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? मेघना अहलावत हैं। विच कंट्री होस्टेड 2022 यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस? कैनेडा ने होस्ट किया। हु बिकेम फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर काउंसिलर ऑफ द दिल्ली? बॉबी किन्नर हैं ये। Which of the following is the Oxford Dictionary's word of the year for 2022? ये है goblin mode. Which country unveiled new B-21 nuclear stealth bomber? USA है answer. 7th edition of exercise Sangam conducted between India and USA. Who became 6th highest run scorer of for India in ODIs? ये है रोहित शर्मा। और इंडियन नेवी डे को ऑब्जर्व किया जाता है 4 दिसंबर के दिन। Who has been appointed as chairperson of National Statistical Commission? राजीवा लक्ष्मण करंदीकर हैं ये। फिर उसके बाद who is the author of the चुपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री? शेखर पाठक की बुक है। 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के बीच कंडक्ट की गई। इंटरनेशनल लूजोफोन फेस्टिवल इसको गोवा में सेलिब्रेट किया गया। मंकी पॉक्स डिजीज़ इसका नाम चेंज किया गया Mpox के रूप में बाय WHO। What is the name of first science documentary in Sanskrit language in the history of world cinema? इसका नाम है यानम।
वट इज़ द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, ये है मौना लोआ हवाई आइलैंड में देखने को मिलता है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2022 इंडिया और मलेशिया के बीच इसको कंडक्ट किया गया। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2022, ये हैं वी अन्नामलाई। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2022 को कंडक्ट किया गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो यहाँ पर केरला ज्योति अवार्ड, केरला का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, एमटी वसुदेवन को मिला, ये एक राइटर हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 ये मिला कश्मीर की आलिया मीर को। डॉक्टर नित्या अब्राहम इंडियन अमेरिकन फिजिशियन हैं, इन्हें यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। मराठा उद्योग रत्न 2023 अवार्ड मिला नीलेश सांबरे को। कुमार मंगलम बिरला इन्होंने रिसीव किया बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड। और गांधी सियासत और सांप्रदायिकता ये बुक लिखी गई है पीयूष बबाले के द्वारा। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो बोरिया मजूमदार की बुक है। क्रॉस कॉर्ड जो बुक है ये ऑटोबायोग्राफी है टेनिस लेजेंड जयदीप मुखर्जी की। नेक्स्ट है बसु चटर्जी द एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, ये अनिरुद्ध भट्टाचार्य की बुक है। वाई कांट द एलिफेंट्स बी रेड, इसकी ऑथर वानी त्रिपाठी टिकू हैं। वॉर एंड वुमेन इसको लिखा है एम ए हसन ने। कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ऑरिजिन्स ऑफ एम्पायर नंदिनी दास के द्वारा लिखी गई। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन आर्मी चीफ्स एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ये पुणे में हुई। एक्सरसाइज कवच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसे अंडमान निकोबार में कंडक्ट किया गया अंडमान निकोबार कमांड के द्वारा। इंडियन आर्मी एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी साइंड MOU ऑन चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग, आर्मी विल लर्न चाइनीज लैंग्वेज। और वर्ल्ड बैंक जो है इसने $108 मिलियन लोन अप्रूव किया है फॉर असम्स फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे में है और इसने इनॉग्रेट किया है इसका पहला ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स एट पुणे। एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ इसके अकॉर्डिंग 6.4% रहने वाला है 2023-24 में। IMF के अनुसार देखें तो इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहने वाला है 5.9%। केनरा बैंक एंड NPCI इन्होंने लॉन्च किया है क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विस फॉर इंडियंस इन ओमान। इंडिया इमर्ज्ड एज थर्ड लार्जेस्ट हब विद 68 यूनिकॉर्न स्टार्टअप, टॉप रहा है USA, सेकेंड चाइना। यूनिकॉर्न कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी होती है $1 बिलियन की। आंध्र प्रदेश के CM है YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट का वर्थ 4,362 करोड़ रुपीज़ का। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कैजाद भरूचा। अमित क्षत्रिय इंडियन ऑरिजिन अमेरिकन है, ये हेड करेंगे नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम को। फिर है गाइया BH1 क्लोजेस्ट ब्लैक होल टू अर्थ है और रिसेंटली साइंटिस्ट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। फिर नेक्स्ट है टाइन लॉन्ग 2 रॉकेट, इसे चाइना ने लॉन्च किया है। फेंगविन 3 मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसी के साथ फाइनली हमारी ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आपका रिविजन अच्छे से हो गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।